दोपहर का वक्त था। सासू माँ शारदा अपनी बहू अनामिका के लिए लंच बॉक्स पैक करती है और उस बॉक्स को लाके कॉफी टेबल पर रख के वो सोफे पे उदास होकर बैठ जाती है। पति प्रसाद शारदा को उस परिस्थिति में देखकर कहने लगते हैं, क्या शारदा इतनी दुखी? तुमसे कुछ खो गया है? इतनी सुस्त क्यों हो? उसने 1000 रुपए लगा के पान पत्ते की खेती की, मैंने कितना मना किया पर एक ना सुनी। बहू जिस चीज की खेती करती है उसे सफलता मिलती है, उसकी बुद्धि पर हमें पूरा भरोसा है। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे बेटे रमेश को भी है। इसी वजह से जब तुम्हारी बहू ने कहा पान पत्ते की खेती करना चाहती है, हमने मना नहीं किया। अपनी व्यथा में कैसे समझाओ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे हर दौड़ में सफलता नहीं मिलती, वैसे हर खेती में भी सफलता नहीं मिलती। तुम्हारे बेटे के आने के बाद बताना, माँ ने कहा है कहकर वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देगा, तुम फेमस हो जाओगी, तुम बिग बॉस में भी जा सकती हो। इससे फालतू मजाक और कुछ नहीं हो सकता। जब तुम और तुम्हारे बेटे ने तय कर ही लिया है कि तुम लोग अपना दांत तोड़वाओगे, तो मुझे तकलीफ लेने से क्या फायदा? देख रही हूँ तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम घर का ख्याल रखो जब तक मैं लौट के नहीं आती हूँ। ऐसा कह के वो बहू के लिए बनाए लंच बॉक्स लेकर बहू को देने के लिए वो खेत के तरफ चली जाती है। घर पे प्रसाद आराम से बैठ के टीवी देखने लगते हैं। वहाँ गांव के अंत में लेक के पास जहाँ अनामिका के पान के खेत थे, वहाँ बोर वाटर बहते देख अनामिका बहुत खुश हो जाती है। पान की फसल काटने का अब दिन आ गया है, अब अच्छा दिन देख के चारों मिलके हमें फसल काटना होगा। वो सोच ही रही थी कि सासू माँ शारदा अनामिका का लंच बॉक्स लेकर उसके पास पहुँचती है। वो देखती है कि बोर का पानी बह रहा है और वो देखकर अनामिका बहुत खुश है। फिर शारदा पूछने लगती है, अरे पान पत्ते बहुरानी। अरे सासू माँ, मेरा नाम अनामिका है, पान पत्ता नहीं। अरे बहुरानी, जब जब तुम्हें पान पत्ते के पास देखती हूँ मुझे यही कहने को मन करता है, अब 4 दिन पहले ही तो तुमने पानी डाला था, फिर पानी दे रही हो। सासू माँ, हाल में तो पानी ही नहीं दिया, 10 दिन पहले दिया था। पान पत्ती की खेती में हर 10 दिन में पानी देना होता है, शायद आपको ये बात पता नहीं, और आपको लगता है मुझे भी पता नहीं। पता नहीं होगा तो मैं खेती कैसे कर रही हूँ। ठीक है चलो खाना खा लेते हैं। फिर सास बहू दोनों वहाँ से एक पेड़ के नीचे जाते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ एक पेड़ के नीचे वो दोनों पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। अनामिका खाने लगती है और शारदा बैठे बैठे अपने सारे संदेह दूर करने में लग जाती है। अनामिका भोजन करते करते ही शारदा के सारे शंकाओं का समाधान करती है। फिर शारदा को थोड़ी ठंडक मिलती है। देखो बहू, हर जगह प्रतियोगिता है, तुम्हें थोड़ा सहन करके तब जाके व्यापार करना होगा, अच्छे से फसल बेच के सारे पैसे इकट्ठा करना होगा, तब जाके मैं तुम्हारी दिल से तारीफ करूंगी। पर अभी तो मुझे तुम्हारी ये पान की खेती बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 4 महीने से मैं कड़ी मेहनत करी हूँ सासू माँ, अब फसल काटने का वक्त आ गया है, अब किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं, हम चारों मिल के आएंगे और फसल काट के ले जाएंगे। उसकी बातें सुन के शारदा चुप हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती। काफी देर तक सास बहू बातचीत करती है, फिर अंधेरा छा जाता है तो दोनों घर वापस लौट आती है। शारदा प्रसाद बैठ के टीवी देखने लगते हैं। अनामिका किचन में खाना बनाती है। रमेश डाइनिंग टेबल पे बैठ के लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठ के अपना रात का भोजन करते हैं। तब अनामिका सभी से कहती है, पिताजी, माँ जी, अजी सुन रहे हैं, हमारा पान का फसल अब पक चुका है, उसे काट के ले आएंगे। उसकी बातें सुन के प्रसाद और रमेश दोनों हाँ कह देते हैं, पर शारदा ना कहती है। फिर प्रसाद के समझाने पे शारदा भी तैयार हो जाती है। अगले दिन चारों जाके अपने खेत में पान का फसल वो काटने लगते हैं। तभी वहाँ पे धर्मा नाम का एक आदमी आता है, वो होलसेल व्यापारी था जो पान के पत्ते बेचा करता था। वो फसल देखकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। वो पैसे अनामिका शारदा के हाथों में देती है। उन पैसों को देखकर शारदा खुश होकर कहती है, मुझे पता था बहू तुम असाधारण हो, जो ठान लिया वो तुम करके दिखाओगी। उसकी तारीफ सुनकर प्रसाद कहने लगते हैं, पलटने में तुम्हारी माँ आगे है, हम सब पीछे है। बातचीत चल रही थी, अंधेरा छा गया, तब तक वो सारे फसल काट लिए। दिन गुजर रहे थे, तभी एक दिन अनामिका अपने पान के दुकान में
फायर पान बनाती है। ठीक उसी वक्त सासू माँ शारदा अनामिका के पास गई हुई थी। बिल्कुल सही समय पे आई है माँ जी, जरा मुँह खोलिए तो। अनामिका की बातों पर बिना सवाल जवाब किए शारदा सीधा अपना मुँह खोल देती है। फिर अनामिका द्वारा बनाया गया फायर पान अनामिका शारदा के मुंह में डाल देती है। शारदा का मुंह ही जल जाता है, बिना चबाए और खाए वो उसे निगल लेती है। रोते रोते शारदा अपना मुंह खोलती है तो सीधा धुआं निकलने लगता है। ये क्या था, ये क्या कर दिया तुमने? फायर पान सासुमा, हमारे पास पान के पत्ते थे ही तो सोचा पान का दुकान खोलने का, पर यहाँ जो भी ग्राहक आ रहे थे वो नए तरह के पान ढूंढ रहे थे, तभी मेरे दिमाग में ये फायर पान का तरकीब आया। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं यहाँ पे आ गई तो तुमने मेरा ही मुँह जला दिया, यही ना बहू? ठीक है ना सासू माँ, जल भी गया तो क्या हुआ, फायर पान है ना। पर कुछ भी कहो बहू, भले ही मेरा मुँह जल गया हो पर पान अच्छा था, एक तरफ पान की खेती दूसरे तरफ दुकान, तुम बहुत अच्छा कर रही हो बहू। और कोई चारा भी तो नहीं, उनका पुराना दिल बदलवा के नया दिल लगाने के लिए करना ही होगा ना। बहू तुम्हें ये सब पता था? पता था सासू माँ, इसीलिए तो आपके कहने के बाद भी आपकी बात ना सुन के खेती भी की और साथ ही साथ ये पान का दुकान भी खोला। तुम बहुत अच्छी हो बहू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे ताकि तुम और मेरा बेटा हमेशा सुखी रहो। फिर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तब से अनामिका पान का खेती भी संभालती है और साथ ही साथ पान दुकान भी चलाने लगती है। उससे पैसे इकट्ठे करती है और इंतजार करती है कि पति को सही हाट मिल जाए। चलिए हम भी मिलके उनके लिए दुआ करते हैं ताकि वो दोनों खुश रहे। तिन्नापुर गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका 30 साल का एक विवाह योग्य बेटा था जिसका नाम था रमेश। इसके बावजूद वो अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत पागल थी। वो तरह तरह की क्रीम मेकअप लगाया करती थी अपने चेहरे पे ताकि उसकी झुर्रियां ना दिखे और वो जवान दिखे। तभी एक दिन प्रसाद और रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होके डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठते हैं। फिर दीवार घड़ी की तरफ देखते हुए, पिताजी घड़ी देखिए, हाथ में बस 20 मिनट बचे हैं, जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, माँ को आवाज लगाइए जरा। रमेश के कहने पे प्रसाद घड़ी की तरफ नजर उठा के देखते हैं। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। भले ही ऑफिस लेट से पहुंच के बॉस का पैर पकड़ लूं, पर मैं तुम्हारी माँ को नहीं बुलाऊंगा। पिताजी अगर आप बस टिफिन के बारे में पूछने के लिए माँ से इतना डर रहे हैं तो आप बाद में मेरी शादी के लिए माँ से क्या पूछेंगे? जब रमेश और प्रसाद ऐसा बातचीत कर ही रहे थे तभी पूरे चेहरे पे सफेद क्रीम लगाकर शारदा इडली का प्लेट हाथ में लेके वहाँ आती है। शारदा को उस हालत में देखकर वो दोनों डरे नहीं क्योंकि उन्हें ये सब चीजों की आदत पड़ चुकी थी। फिर बिना कुछ कहे रमेश और प्रसाद चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठ के इडली खाने लगे। तभी शारदा भी आके बैठती है और कहने लगती है, बेटा रमेश मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, लड़की बहुत गुणवती है, घर के काम काज में बिल्कुल निपुण है, इतनी अच्छी लड़की आज तक नहीं देखा, तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ माँ, आज तक कभी मैंने आपको ना कहा है क्या? एक बार हम जाके लड़की को देख आते हैं शारदा। मैंने देख लिया है ना, मैं क्या नहीं जानती हूँ कि मेरे बेटे के लिए पत्नी कैसी ढूंढनी है। शारदा की बातें सुन के रमेश और प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं। काली रंग की अनामिका को शारदा अपनी घर की बहू बना के ले आती है। शुरुआत में रमेश को अनामिका अच्छी नहीं लगी, पर अनामिका बहुत ही आज्ञाकारी थी, घर का सारा काम काज खाना पकाना और कभी पलट के कोई जवाब तक नहीं देती थी। इस वजह से रमेश को वो धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। तभी एक दिन जब रमेश अकेले में बगान में खड़ा था, पीछे से प्रसाद उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं, देखो बेटा तुम्हारी माँ का गलत इरादा था, ताकि वो खूबसूरत दिखे इसीलिए वो काली रंग की अनामिका को बहू के रूप में चुनी और तुमसे वो शादी करा दी। हाँ पिताजी अब मुझे धीरे धीरे माँ का मन समझ में आ गया है। पर बहू बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके प्यार भरे दिल के आगे ये सब सुंदरता खूबसूरती कुछ भी नहीं, उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, उस बात से दुखी मत हो और उसे तकलीफ मत देना, एक साथ खुश रहना। उनकी बातें सुन के रमेश भी सोचने लगा और उसे लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब से वो अनामिका के साथ हंसते खेलते हुए जीवन बिताने लगा।
पर ये सब देखकर शारदा को जलन होने लगी। इस वजह से वो पूरे परिवार के सामने में अपनी खूबसूरती की तारीफ करने लगी और बहू के काले रंग के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगी, जिस वजह से सभी लोग अनामिका से बातचीत बंद कर दिए, दोस्ती तोड़ दिए। अगर अनामिका खुद से बात करने भी जाती थी तो लोग उससे दूर चले जाने लगे। इन सारी चीजों से अनामिका बहुत दुखी हो गई और जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे वो बैठ के रोने लगी। अनामिका ये नहीं जानती थी वो एक मायावी पेड़ है। मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों जन्म दिया? कोई मुझसे अब बात तक नहीं कर रहा है, कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है, कोई मुझसे मिलना तक नहीं चाहता। मेरी सासू माँ मुझे पसंद करके बहू बना के ले आई, इससे मैं बहुत खुश थी। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग उन्हें कहें कि बस वही खूबसूरत है। इस तरह दुखी होकर रोते रोते अनामिका कहती है, ये सब देखकर वो जादुई पेड़, देखो बेटा मैं एक मायावी पेड़ हूँ, तुम डरो नहीं। काफी देर से मैं तुम्हें रोते देख रही हूँ, क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है? ये सुनकर अनामिका हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। स्वास्थ्य लेकर नहीं है वृक्ष माता, सुंदरता लेके है। मेरा रंग काला है, इस वजह से कोई मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, और मैं कितना सहन करूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वृक्ष माता आप मेरी जान ही ले लीजिए। इतनी कठोर नहीं हूँ मैं, पर मैं तुम्हें एक मायावी क्रीम दे सकती हूँ। सोने से पहले उसे अपने चेहरे पर लगाकर सो जाना, कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वो जादुई पेड़ अपने हाथों से एक फेस क्रीम उसे देती है। खुशी से अनामिका वो लेते हुए कहती है, हे वृक्ष देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये मदद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। देखो बेटा, पर एक बात का ध्यान रखना, चाहे तुम्हें कितनी भी खूबसूरती मिले, कभी किसी का अपमान मत करना और किसी के बारे में कभी बुरा भला मत कहना। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी खूबसूरती चली जाएगी। फिर वो मायावी पेड़ एक साधारण पेड़ में बदल गई। अनामिका खुशी खुशी मायावी फेस क्रीम लेकर घर लौट गई। रोज सोने से पहले अनामिका उस फेस क्रीम को लगाया करती थी। एक दिन सासू माँ शारदा ने क्रीम लगाते देख लिया तो अनामिका से पूछा। अनामिका ने सारा सच बता दिया। ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आया। एक दिन जब अनामिका बाजार गई तो शारदा ने वो क्रीम चुरा लिया। अब मैं बहू का ये मायावी क्रीम लगाऊंगी और मैं और भी खूबसूरत हो जाऊंगी। यही सोचते हुए वो हॉल में गई तो देखी अनामिका बाजार से लौट आई है। जल्दी से शारदा वो क्रीम छुपा लेती है और कहती है, क्या बहू तुम गई और जल्दी लौट आई, काम खत्म हो गया? नहीं सासुमा, पैसे ले जाना भूल गई थी। ऐसा कहकर टीवी के पास रखा हुआ पैसे लेके वो चली गई। शारदा बहू का चुराया हुआ क्रीम ले जाके अपने कमरे में छिपा देती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। फिर रात में अनामिका चेहरे पे क्रीम लगाने के लिए जाती है, पर क्रीम कहीं नहीं मिलता। वो हर एक जगह ढूंढ लेती है, हॉल किचन, पर उसे कहीं भी क्रीम नहीं मिलता। वो अपने कमरे में आके दुखी होकर बैठ जाती है। उधर शारदा अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने अनामिका का वो चुराया हुआ क्रीम मजे से अपने चेहरे पे लगा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद, जल रहा है मिर्ची, मेरा चेहरा जल रहा है, आह जल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए वो बाथरूम की तरफ भागती है। फिर जाके वो अपना चेहरा धोती है। शारदा देखती है कि उसका चेहरा काला हो गया है। ये देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। अरे मेरा चेहरा! वो रोने लगती है। रोने की आवाज सुनके प्रसाद, रमेश और अनामिका तीनों उसके पास आते हैं। शारदा का चेहरे का रंग काला पड़ गया है देखकर उन्हें हंसी आने लगती है, पर हंसने से शारदा को बुरा लगेगा इसीलिए वो दुखी होने का मुंह बनाते हैं। सच बताओ, मायावी वृक्ष द्वारा दिया हुआ ही फेस क्रीम था ना? हाँ सासुमा, पर कहा गया था लालच और जलन की भावना ना रखने को, ये बात मैं आपको बताना भूल गई। ऐसा कहकर अनामिका मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। शारदा बैठ के आंसू बहाने लगती है। अब ज्यादा देर वहाँ रहना सही नहीं है, ये सोचकर प्रसाद और रमेश कट लेते हैं। तब जाके शारदा को पता चला कि लालच और ईर्ष्या हमेशा पीड़ा ही देती है।